मित्रों नमस्कार, आप सभी को अपने एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम बीएस करहिया है और मैं बेसिकली अर्थशास्त्र और निवेश के संबंध में वीडियो डाला करता हूँ। तो आज मित्रों हम बात करने जा रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए जिसको यह नहीं पता कि शेयर बाजार क्या है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए मैं बताने वाला हूँ कि शेयर बाजार क्या है। बहुत कम लोग पता है, लोग शेयर बाजार को लोग यही समझते हैं कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है जहाँ सट्टा लगाया जाता है। मेरे मित्रों, एक बहुत बढ़िया कोटेशन में बार बार इसको कहा करता हूँ कि पहली चीज़ तो है कि हमें ये जानना होगा कि शेयर बाजार सट्टा नहीं है, सट्टा नहीं है, यह एक पूर्ण रूप से बिजनेस है, पूर्ण रूप से बिजनेस है। कैसा बिजनेस है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में अपने देश में नहीं तो भी लाखों की संख्या में यहाँ रोजगार मिला हुआ है, संख्या में रोजगार है। मैं ये लाखों की संख्या उनको बात कर रहा हूँ जो ब्रोकर्स हैं और ब्रोकर के यहाँ जो काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रोफेशनली एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर का एक कैरियर बनाए हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। इसके अतिरिक्त इसमें कम से कम 6 समाचार चैनल है, जो 24/7 केवल बिजनेस न्यूज़ देते हैं। कौन कौन से चैनल हैं? नंबर एक पर CNBC, TV18, दूसरा कौन सा है? CNBC आवाज, तीसरा है जी बिजनेस, चौथा है ET Now, ये इकोनॉमिक टाइम्स वालों का, पांचवा है NDTV प्रॉफिट, छठा है ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग सातवां है BTBI। इसके अतिरिक्त मित्रों कई समाचार चैनल हैं। नंबर वन पर है इकोनॉमिक टाइम्स ET Times, दूसरा है फाइनेंशियल टाइम एक्सप्रेस फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तीसरा है बिजनेस स्टैंडर्ड, और भी है, चौथा है बिजनेस लाइन। कुल मिलाकर 4-5 समाचार पत्र हैं और इनका एक एक का जो टर्नओवर होता है साल का हजारों करोड़ होता है, हजारों करोड़ रुपया होता है। और सबका अलग अलग मैं बात कर रहा हूँ। और जब हम इंडेक्स की बात करते हैं अपने शेयर बाजार की, तो प्रतिदिन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है, कारोबार मतलब क्या है कि 2 लाख करोड़ रुपए की शेयरों की खरीद फरोख्त डेली होती है। तो मित्रों ये छोटी मोटी राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि है। और ये जुआ नहीं है, ये जुआ घर नहीं है, ये सट्टा नहीं है। यदि ये सट्टा होता तो ये जो इतना कारोबार होता है, ये इतना कारोबार नहीं होता। होता तो एक छोटे समय के लिए होता, ख़त्म हो जाता। तो ये कुछ न कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम
नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानना चाहते हैं, तो हमें जानना चाहिए। क्या क्यों जानना चाहिए? देखिए, यदि शेयर मार्केट के बारे में हम नहीं जानते, एक मेरा कोटेशन है, मैं इस कोटेशन को लिखूंगा यहाँ पर, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कि यदि शेयर बाजार के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। क्या मतलब? कि यदि हम शेयर बाजार के बारे में हम नहीं जानते हैं या जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? हम एक बड़े लाभ से वंचित हैं मित्रों। इसका असर बार बार समझिएगा, यदि हम शेयर बाजार के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई नुकसान होने जा रहा है, लेकिन हम एक बड़े लाभ से वंचित हैं। कैसे वंचित हैं, हम इसको ज़रा समझाने की कोशिश करेंगे, जरा इसको ठीक से समझते हैं। ज़रा होता क्या है कि तीन चीज़ें होती हैं, जब भी हम कहीं पैसा लगाते हैं, तो पैसा हम तीन जगह लगाते हैं। नंबर वन पे जो पैसा, सॉरी माफ़ करिएगा, पैसा लगाते हैं तो उस पैसे पे हमें तीन चीज़ें होता है। नंबर एक, या तो लाभ होता है, जैसे हमने 1 लाख रुपया कहीं लगाया, इस पे 8% का ब्याज मिला, साल भर में ये बढ़ करके 1 लाख 8 हज़ार हो गया, इस पे 8 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। क्या कहा जाएगा कि 8% का फायदा हुआ। दूसरा क्या होता है? नुकसान, इसको इंग्लिश में हम लॉस कहते हैं। यानी मान लीजिए हमने 1 लाख रुपया लगाया, 2019 में हमने 1 लाख रुपया लगाया, 2020 में जब आ रहा है, इसकी वैल्यू मालूम चलता है कि 90 हज़ार हो गई है, तो घाटा हो गया फायदा हुआ, अस्पष्ट है कि नुकसान हुआ। जितना हमको वैल्यू मिलना चाहिए उतना वैल्यू हमको नहीं मिला। ज़्यादातर तो लोग यही इन्हीं दो को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसके अतिरिक्त भी एक तीसरी किस्म पाई जाती है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हम आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा है मित्रों, लाभ का नुकसान। लाभ का नुकसान, लाभ के नुकसान से क्या आशय है? लाभ के नुकसान से आशय क्या होता है? कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने 1 लाख रुपया कहीं लगाया, जो प्रथम जगह लगा रहे हैं यहाँ पर, वो मान चलता है कि 8% मिल रहा है। दूसरा जगह क्या है कि हम यदि यहाँ पैसा लगाते, तो वहाँ पर मान चलता है कि 10-12% के रिटर्न आता। तो ये जो बीच का गैप हो गया, ये जो बीच का गैप हुआ 4%, इसको जो कहा जाएगा लाभ का नुकसान। तो मित्रों, यदि हम शेयर बाजार के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमें इसी लाभ का नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है? औसतन जब से शेयर बाजार चला है मित्रों, शेयर मार्केट चला है, यदि हम, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म का गेम होता है, तो लॉन्ग टर्म में ओवरऑल जो इसका रिटर्न होता है, औसतन 17% से लेकर के 18% का हमें रिटर्न तो मिलता ही मिलता है। यदि हम और थोड़ा सा इसको और कंजर्वेटिव तरीका हम अपनाएं, कंजर्वेटिव तरीका अपनाएं, तो कंजर्वेटिव तरीका से ऐसे होता है कि जितनी देश की मुद्रा स्फीति होती है,
स्फीति प्लस जो जीडीपी की ग्रोथ रेट होती है, ग्रोथ रेट, इन दोनों के बराबर हमें रिटर्न तो यहाँ मिलता ही मिलता है। मुद्रा स्फीति किसी देश की दीवाली से भारत की अर्थव्यवस्था किसी भी देश की, अब भारत के लेते हैं तो 5% प्लस जीडीपी 7% या 8% के लेते हो, तो यहाँ पर मित्रों 12% का रिटर्न मिलना ही मिलना है। अब बताइए देखिए एफडी पे कहाँ 8% मिलता है, कहाँ 12%, यानी हम इसी 4% से हम 4% का लाभ का नुकसान झेल रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं होता है मित्रों, हम समझ भी नहीं पाते ये कैसे होता है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, ये लाभ का नुकसान कैसे होता है। तो इसको समझते हैं, समझ तो हम इसको तभी समझ पाएंगे ठीक से, ये लाभ का नुकसान जो हो रहा है हम इसको लाभ में तभी ले पाऊंगा, तभी ले पाएंगे जब हम शेयर बाज़ार की ठीक से समझ पाएंगे। हमें समझना होगा ये कैसे काम करता है, क्या है ये। तो आगे हम बढ़ते हैं कि शेयर, सबसे पहले समझते हैं कि शेयर है क्या। शेयर है क्या, बहुत लोग दिमाग में यह प्रश्न पैदा होता है कि शेयर है क्या, शेयर क्यों होता है, क्या होता है। इसको जरा हम हिंदी में, जब हम इसको समझते हैं हिंदी में तो क्लियर हो जाएगा। शेयर का शाब्दिक अर्थ होता है हिस्सेदारी, शेयर का शाब्दिक अर्थ होता है हिस्सेदारी, यानी किसकी हिस्सेदारी, किसमें हिस्सेदारी, किसमें, बिजनेस में। एक ऐसा बिजनेस जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन हम कम पैसे में होने के कारण बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस कम पैसे से जो बिजनेस हम करना चाहते हैं उस बिजनेस सेक्टर का कोई शेयर लेके बैठ जाते हैं। शेयर बोले तो हिस्सेदारी। ले लेते हैं तो जैसे जैसे कंपनी का लाभ होता है तो लाभ हमें भी होता है, और नुकसान होता है तो नुकसान के भी हम भागीदार होते हैं। तो हमें शेयर को जुआ नहीं समझना है, सट्टा भी नहीं समझना है, जुआ नहीं समझना है, सट्टा नहीं समझना है, और रातों रात करोड़पति बनने का मशीन नहीं समझना है। जैसे कोई बिजनेस, कोई भी बिजनेस सालों में ग्रो होता है, सालों में ग्रो होता है, तो उसी तरह यहाँ भी लाभ होता है। ठीक है मित्रों, तो हमें क्या करना है, हमें शेयर नहीं लेना है, हमें शेयर नहीं लेना है, नंबर एक चीज। दूसरा चीज समझना है कि हमें बिजनेस खरीदना है, बिजनेस खरीदना है, कौन सा बिजनेस, जो हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता, हमें उसका शेयर खरीदना है। शेयर कहाँ से खरीदना है, सवाल ये प्रश्न होता है कि शेयर कहाँ मिलेगा, तो इस शेयर के लिए, और हम आगे समझेंगे तो इसको थोड़ा और
ठीक से समझते हैं और बढ़िया से समझते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए नामक व्यक्ति है जो कि एक बिज़नेस खड़ा करना चाहता है जिसमें उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब ये कोई भी बिज़नेस कर ले, कल्पना कर लेते हैं कि कोई प्लाईवुड की फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाना चाहता है, किसी की कोई भी फैक्ट्री, एक उदाहरण ले लेते हैं। मन करता है कि हमें जो है 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी उस प्लांट के लिए। तो इस 10 लाख रुपए के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि हमारे पास 10 लाख रुपए हो तो हम सीधे जाकर प्लांट ले सकते हैं या प्लांट में निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं, हमारे पास कुल कितना है? 5 लाख। तो और शेष पैसा कहाँ से आएगा? भाई हमको तो पैसा 10 लाख चाहिए, पैसा है हमारे पास 5 लाख। तो इस 5 लाख का विकल्प क्या है? नंबर एक, लोन लेवे। नंबर दूसरा, अपनी संपत्ति बेचकर इकट्ठा करें। नंबर बेच कर लेवे। तीसरा, उधार लेवे। ये किसी न किसी से हेल्प लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेवे सब, या तो हमारे पास कोई पुरानी संपत्ति पड़ी हुई हो उसमें बेच करके हम पैसा इकट्ठा कर लें, मान, या अपने दोस्त मित्रों से उधार लेते हैं कि भाई आज हमको दीजिए, हम आपको कल आपको वापस कर देंगे। इन तीनों में अच्छाई भी है, तीनों में बुराई भी है, लेकिन एक चौथा किस्म है जिसके बारे में हम विचार करते हैं, तो हम दूसरों को ऑफर देते हैं, दूसरों को ऑफर देते हैं, दूसरों को ऑफर देते हैं। क्या ऑफर देते हैं मित्र? ऑफर ही देते हैं कि आपके पास जितना पैसा है, हम दूसरों को ऑफर देते हैं। क्या ऑफर देते हैं? कि जितना पैसा आपके पास है हमें दीजिए, हम पैसे के बराबर, पैसे के बराबर आपको हिस्सेदारी, आपको हिस्सेदारी दी। यानी हम किसी दूसरे को ऑफर, दूसरे पर जाते हैं, दूसरों को हम ऑफर देते हैं, ऑफर ही देते हैं मित्रों कि हमारे पास, आपके पास जो भी पैसा है उस पैसे को हमें दीजिए, उस पैसे से मैं फैक्ट्री खोलूँगा, फैक्ट्री खोलने में सहयोग लूँगा, और जितना पैसा आपका होगा उस पैसे के बराबर हम आपको हिस्सेदारी देंगे। तो हिस्सेदारी किस चीज़ में? यदि लाभ होगा तो लाभ भी हम आपको देंगे। तो होता क्या है कि उसके लिए हम एक, मान लीजिए 5 लाख रुपया, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम छोटी रकम की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती है। तो हमने क्या किया कि उस 5 लाख को, जिसकी हमें ज़रूरत है, हम एक रसीद की तरह से सोचते हैं, 100-100 रुपये की एक तरह से रसीद तैयार करते हैं। तो हमने क्या किया कि 50,000 रसीद बना दिए या पेपर, एक और एक रसीद की एक जो पेपर हो, एक जो पेपर होगा उसका मूल्य होगा 100 रुपया। यानी कि यदि जिसके पास भी 100 रुपया होगा वो भी हमारे दुकान में, जो हमारी प्लाईवुड की या जो आइसक्रीम की फैक्ट्री लग रही है उसमें योगदान कर सकता है। तो होता क्या है मित्रों कि जब रसीद 100 रुपये की हो जाएगी, रसीद की संख्या होगी 50,000, 5,000, सॉरी 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 माफ करिएगा, ये 100 रुपये न होकर के 10 रुपये की रसीद होगी, तभी तो 5 लाख होगा। तो 10 रुपये की हमने रसीद तैयार कर दी है,
50,000 की संख्या में, तो होता क्या कि जिसके पास 10 रुपया होगा वो भी कंपनी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लिहाजा अब 10 रुपये छोटा जब हो गया तो संख्या में लोगों की अधिक हो गई। तो ये जो संख्या आपको 50,000 दिख रही थी, अब उस रसीद लेने वाले की संख्या 50,000 ही नहीं रहेगी, अब ये संख्या बढ़ जाएगी। मालूम चलता है कि उस रसीद को खरीदने के लिए जिनको जिनको लाभ दिख रहा है वो सभी लोग रसीद खरीदना चाहेंगे, और दरवाजे पर 5 लाख लोग भीड़ इकट्ठी हो गई, 5 लाख लोगों की। तो अर्थशास्त्र में मित्रों एक मार्शल का नियम काम करता है, जो कहते हैं कि मांग और पूर्ति का नियम। पहले हम इसको समझ लेंगे, मांग अब्लिक पूर्ति। उसका कहना है कि मांग यदि अधिक होगी पूर्ति कम होगी, यानी मांग अधिक होगी पूर्ति कम होगी तो कीमत बढ़ेगा, यानी कहने का से किसी चीज का शॉर्टेज होगा। तो मित्रों जैसा कि जानते हैं कि जो मार्शल नामक अर्थशास्त्री रहे हैं ने एक मांग और पूर्ति का सिद्धांत दिया, मांग और पूर्ति का, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जब वस्तु की संख्या कम हो और उसकी मांग ज़्यादा हो तो कीमत बढ़ती है। यानी हम इसको यदि हम दिखाना चाहें तो इन्होंने एक चार्ट के रूप में दिखाया है, इसको ऐसे कहा है, इन्होंने कहा है कि मांग और पूर्ति, इसमें इन्होंने कहा है कि एक इन्होंने कीमत कहा है, कीमत का है प्राइस, और इसको कहा है सप्लाई। तो इन्होंने कहा कि सप्लाई जितना ही अधिक होगा कीमत उतनी ही कम होगी। जैसे मान लीजिए सप्लाई इतना हो तो कीमत उतना होगा, सप्लाई यहाँ पे होगा, सप्लाई मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पे सप्लाई है तो कीमत यहाँ पे होगा, ये वाला हो जाएगा। यदि देखिए ये सप्लाई अधिक है, यदि हम इस पॉइंट पर लेते हैं, मान लीजिए हम इसको ए पॉइंट नाम दें, तो यहाँ पर जाएंगे तो कीमत ये कीमत अधिक होगी। यानी इस यदि हम इसको डी नाम दे दें, हम इसको ई नाम दे दें, तो अब देखिए कि जब आपूर्ति जो सप्लाई जो है ए रहता है यानी कम है तो प्राइस कितनी ऊंची है, और यही जब सप्लाई यहाँ बढ़ जाता है इसको मान लीजिए हम बी नाम देते हैं, तो ए भी जब सप्लाई हो जाता है तो कीमत कम हो जाती है। तो यहाँ भी वैसे ही होता है कि जब मालूम चलता है कि पेपर की जो संख्या होती है 50,000 होती है और लेने लेने वालों की संख्या अधिक हो, तो लेने वालों की जब संख्या अधिक होती है तो क्या होता है, अपने आप कीमत बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। तो जब कीमत बढ़नी प्रारंभ होती है तो जो इसका जो रसीद जो हम जिस रसीद की हम बात कर रहे थे वो 10 रुपये में मान लीजिए जारी होता है, तो अब हम बार्गेन करना शुरू करते हैं। जिसके पास रसीद होता है वो कभी नहीं कहता है कि हम ये जो 10 रुपये का हम 10 रुपये में बेचेंगे। अब इसकी डिमांड चूँकि अधिक होती है तो ये जो 10 रुपये का होता है रसीद, ये 10 रुपये का न बिक करके 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, इसकी जैसी डिमांड होती है यानी कि जितना मांग होता है, जितना अधिक मांग होता है, मांग उसकी जितनी अधिक होती है उसी के मुताबिक उसकी कीमत तय होती है। तो होता क्या है कि ये जो 10 रुपये का शेयर होता है, जो 10 रुपये का भाव होता है वो 100,000 कई कई सैकड़ों हजारों लाखों रुपये तक में चला जाता है। तो जो रसीद जिस मूल्य पे जारी होता है उसको हम शेयर मार्केट में फेस वैल्यू कहते हैं, और जो डिमांड सप्लाई से जो कीमत तय होती है उसको करेंट मार्केट प्राइस कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हम RIL का उदाहरण लेते हैं, तो RIL का जो फेस वैल्यू होता है वो 1 है, और जो CMP है इस समय लगभग 1200 के आसपास चल रहा है। इसी तरह से हम एशियन पेंट का देख लें, एशियन पेंट का यदि हम देखते हैं तो एशियन पेंट का भी फेस वैल्यू मान चलता है कि 1 है, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग 1300 है। इसी तरह से हम जिसका भी देखना चाहें सभी का होता है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे उसकी कीमत अधिक होती है। यदि डिमांड कम हो जाता है
तो शेयरों के भाव कम हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप आज की डेट में क्वालिटी डेयरी देख लीजिए, क्वालिटी डेयरी हो गया, जेपी एसोसिएट हो गया, जेपी एसोसिएट के बाद सुजलान एनर्जी हो गया, तमाम ऐसे शेयर्स हैं जिनकी की मांग, शेयरों की मांग कम होती जाती है, लोग शेयर कम खरीदना पसंद करते हैं, तो वो शेयर के भाव गिरने लगते हैं। तो कुल मिला के यह कहना हुआ कि शेयर वो लेने चाहिए जिनकी डिमांड अधिक हो। तो मित्रों, इसको कहते हैं शेयर, इसको कहते हैं शेयर। उम्मीद है आपको शेयर की परिभाषा क्लियर हो गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके पूछ सकते हैं। इन शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, क्लियर हो गया। यानी एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हम हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो मित्रों, तो जब हिस्सेदारी हमें खरीदना है तो अच्छे बिजनेस में हिस्सेदारी लिया जाए, खराब बिजनेस में नहीं। अच्छे बिजनेस में शेयर जितनी बढ़िया, जितना बढ़िया बिजनेस होता है, जितना अच्छा बिजनेस होता है, उसके शेयर उसमें उतना ही प्रॉफिट होने की संभावना होती है। तो स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए सबसे पहली क्या बात होता है कि हमें एक अच्छा बिजनेस सेलेक्ट करना है, अच्छा बिजनेस सेलेक्ट करना है। दूसरा, जैसे हम अच्छा बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, उसके हमको शेयर लेके रखनी है, लेना है। और शेयर देखिए, शेयर में दो तरीके से फायदा होता है। नंबर एक मित्रों, जो फायदा होता है उसको कहते हैं हम कैपिटल गेन। यानी जो शेयर, जैसे मान लीजिए उदाहरण का हम लेते हैं कि जैसे किसी शेयर के, जैसे हम हावेल्स का उदाहरण लेते हैं, हावेल्स का यदि हम उदाहरण लेते हैं तो 2000 हम देखेंगे 2005 में ये शेयर लगभग 30 रुपये का शेयर था, और आज जो शेयर हो गया वो लगभग 700 पर चल रहा है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो 30 रुपया, जो 700 रुपया हुआ है, जो 25 गुना 26 गुना जो शेयर बढ़ा है, जो 25-26 गुना बढ़ा है, इसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। मार्केट में मित्रों, जो भी इन्वेस्टमेंट करने आता है, मैक्सिमम लोगों की निगाह में कैपिटल गेन ही होता है। और ये कैपिटल गेन हम यदि कोई बिजनेस अच्छा सेलेक्ट करते हैं तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर 25% से ऊपर का सीएजीआर मिलता है। सीएजीआर से आसान से सीए से कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ सीएजीआर मिलता है। तो हमें अच्छे बिजनेस सेलेक्ट करने हैं और उनके बिजनेस को होल्ड करना है। तो 25% का सीएजीआर भी मिलता है मित्रों, तो आप मान के चलिए कि 25% सीएजीआर का मतलब है कि यहाँ पर हर 3 साल पर जो धन जो होता है दोगुना हो जाता है औसतन। यदि अच्छे बिजनेस को हम सिलेक्ट करेंगे तो 3 साल में दोगुना हो जाएगा। और यदि हम 10 सालों की बात करते हैं तो आसानी से यहाँ पर 10 गुने से अधिक का रिटर्न आ जाता है। तो हमें अच्छे बिजनेस सेलेक्ट करना है। नंबर एक हमने अपने कैपिटल गेन के बारे में बताया। जो दूसरा पॉइंट होता है जिसके लिए शेयर में लोग पैसा लगाते हैं, उसको डिविडेंड कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यदि हिंदी में हम बात करें तो लाभांश होता है। लाभांश कैसे होता है? जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से प्रत्येक शेयर धारक को डिविडेंड मिलता है। प्रत्येक शेयर धारक को ये उसका एक हिस्सा देते हैं। यह कितना मिलता है, ये मान के चलिए कि औसतन डिविडेंड जो मिल रहा होता है, वो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। तो जैसे आप देखेंगे किसी भी कंपनी का, जैसे चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट में लिखा होता है कि 100% डिविडेंड, डिविडेंड 100% डिविडेंड का मतलब होता है कि फेस वैल्यू का 100%। फेस वैल्यू यदि 10 है तो उसका 100% बराबर हो गया
₹10 मिलता है, ये डिविडेंड मिला करता है। वक्त के साथ मित्रों क्या होता है कि कंपनियां जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, जैसे जैसे उनके भाव बढ़ते रहता है तो अपने बोनस शेयर देती हैं, बोनस के बाद स्प्लिट करती हैं, तो धीरे 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 करके शेयरों की संख्या हमारी बढ़ती जाती है और बढ़ने के दौरान जो डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड ह्यूज होता है। तो यहाँ पर एक अनुमान की बात हम करें तो जो आज हम शेयर में पैसा लगाते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करें, मान लीजिए हमने ₹50,000 कहीं शेयर में इन्वेस्ट किया, तो मान के चलते हैं कि आसानी से 10-12 सालों बाद हमको जो होगा साल का डिविडेंड ₹50,000 मिल रहा होगा। 10-12 सालों में इतना हमको डिविडेंड मिल जाता है कि शेयर जो होता है फ्री हो जाता है। तो मित्रों हमें यहाँ काम करना है, हमें सिर्फ काम इसके लिए नहीं करना है कि हमें प्राइस एप्रिसिएशन मिले, हमें मित्रों काम करना है डिविडेंड के लिए, डिविडेंड के लिए, और दूसरा काम करना है तो हम बिजनेस को पीढ़ियों के लिए होल्ड करें। जो भी हम स्टॉक खरीदें उसको हम ये मान के चलें कि हमें आने वाले पीढ़ियों को उसके हैंड ओवर करना है। तो मित्रों आज के लिए मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट की अच्छी हमने जानकारी दे दिया है, इतना ही। और कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो जानकारी चाहिए तो हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।